only think you should. सो हेलो हेलो, कैसे हो सारे? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ न्यू क्राफ्टलैंड की गेम प्ले या फिर ब्लू कस्टम रूम कार्ड की गेम प्ले। तो जितनी भाई लोग देख रहे हो फटाक से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपको बेल आइकन मिलेगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लेना। तो आपको पता होगा अपडेट से भी बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्राफ्टलैंड नाम का एक कस्टम रूम कार्ड आने वाला है जहाँ पर आप अपना खुद का मैप, ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो भाई 99% चीज़ें जितने भी सारी, बस मैंने अंदाजा में ही बताया था सारा कुछ, लेकिन सब कुछ सही निकला है। हाँ, फ्री फायर में वो नहीं आया था, मैंने आपको बताया था कि फ्री फायर में आपको जल्दी ही मिल जाएगा अपडेट के बाद, क्राफ्टलैंड नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा पेट रेम्बल की बाजू में, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन फ्री फायर मैक्स में वो आया है, ठीक है, अपडेट के तुरंत बाद ही आ चुका था। और मैं आपको बता दूँ, कुछ अपडेट्स ऐसा होता है ना जो मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट से पहले, वहाँ पर भाई देखो वहाँ पर एडवांस सर्वर में लिखा नहीं होता कि ये जो अपडेट है ये फ्री फायर मैक्स के लिए है या फिर ये जो अपडेट है ये फ्री फायर के लिए सिर्फ है, ऐसा लिखा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ एक दो अपडेट ऐसा होता है जो फ्री फायर मैक्स में चला जाता है लेकिन वो फ्री फायर में नहीं आता। तो ऐसे ही इस बार जो है क्राफ्टलैंड जो कस्टम रूम कार्ड है वो फ्री फायर मैक्स में चला गया है, फ्री फायर में नहीं आया है। हो सकता है कि बाद में वो ऐड हो फ्री फायर में, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए वो फ्री फायर मैक्स में ही अवेलेबल है। ओके, तो कस्टम रूम वाले सेक्शन में जैसे ही जाओगे नॉर्मल फ्री फायर में आपको वो नहीं दिखेगा, ठीक है। फ्री फायर मैक्स में वो ऑप्शन आ चुका है अपडेट के तुरंत बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया अपडेट के तुरंत बाद ही वो आ चुका था। लेकिन इसका काम यहाँ पर मेन नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर मेरे पास देख सकते हो चार कस्टम रूम कार्ड है, ऐसे डेली लॉगिन पे दे रहा है अभी, तो चार कस्टम रूम कार्ड है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर इसका मेन काम नहीं है। ये बस क्लास स्क्वाड में ही अवेलेबल है, मैं आपको बता दूँ ये बस क्लास स्क्वाड में ही अवेलेबल है कस्टम रूम ब्लू कस्टम रूम कार्ड। लेकिन इसका मेन काम है अपने क्राफ्टलैंड वाले ऑप्शन में। क्राफ्टलैंड वाले ऑप्शन कहाँ पर है? जहाँ पर आप ट्रेनिंग ग्राउंड या फिर कस्टम रूम लगाते हो ना, उसके लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है क्राफ्टलैंड नाम का। तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे भाई, एक सेकेंड भी टाइम नहीं लेता क्योंकि कोई मैच मेकिंग नहीं होता, बिल्कुल तुरंत लग जाता है। उसके बाद आप आ जाओगे मैप एडिटर वाली मोड पर, जहाँ पर आके आप अपना खुद का मैप बना सकते हो। तो भाई पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर ए जैसे ही ए मोड लग रहा है, मैं एडम बन जा रहा हूँ पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर देख सकते हो स्क्वायर है रेड कलर का, जो क्लैश स्क्वाड में होता है जहाँ पर आप गन वगैरह खरीदते हो, उसके बाद थोड़ा सा टाइम चलता है, उसके बाद वो रेड कलर का जो स्क्वायर है वो हटता है या फिर जो लाइन है जिसके आगे आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर बना है क्यों? क्योंकि इसको देख के आपको मैप बनाना पड़ेगा, मतलब यही एक इस तरफ है एक उस तरफ है, तो इसको देख के आपको अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ से मैच शुरू होगा, तो उस हिसाब से आप अपना मैप बना सकते हो, ठीक है। और एक ब्लू लाइन दिख रहा होगा आपको, तो उसके बाहर आप मैप एडिट नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी चीज़ें उसके बाहर आप ऐड नहीं कर सकते मैप में। ओके, तो आपको बेसिकली करना क्या है? तो यहाँ पर मैंने भाई ये तो पहले से बना कर रखा था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसको अगर आप मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर एक ऑप्शन है देख रहे हो, तो वहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं आ जाऊँगा मैप एडिटर मोड पे, एक ड्रोन व्यू जैसा है और बीच में एक एम है देख रहे हो, तो इसको मैं जिसके ऊपर भी ले जाऊँगा तो एक डिलीट वाला ऑप्शन आ जाएगा और उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो अपना आइटम है वो मैप से हट जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ मेरा हट चुका है। अभी क्या करना है मुझे, कोई भी चीज़ें ऐड करना है। ओके, तो ऊपर एक लाइन देख रहे हो 1000 जहाँ पर लिखा है, तो उसके ज़्यादा आप चीज़ें मैप में ऐड नहीं कर सकते, वो एक लिमिट है। और जितने भी सारे आइटम्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, देख सकते हो सबका एक वैल्यू है, ठीक है। छोटे आइटम्स का थोड़ा सा कम वैल्यू है और जो बड़े आइटम्स है उसका थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू है, जैसे कि घर वगैरह थोड़ा सा बड़ा है तो उसका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कुल मिला के आप 1000 वैल्यू तक कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो भाई अभी मैं आपको एक स्नाइपर ओनली कस्टम रूम बनाकर दिखाता हूँ, मतलब स्नाइपर ओनली एक मैप बनाकर दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भाई एम जहाँ पर ही ले जाओगे तो आपका जो आइटम है उसके रखने की एक जगह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन देख रहे हो, इसको जैसे आप प्रेस करोगे तो आपका जो आइटम है वो मैप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोई लिमिट नहीं है कि कोई भी चीज़ है, मतलब घर वगैरह है या फिर कोई भी चीज़ है, उसका कोई लिमिट नहीं है, जितने भी मर्जी आप ऐड कर सकते हो, एक ही चीज़ है आप बहुत बार ऐड कर सकते हो, लेकिन 1000 एक जो लिमिट है जैसे कि मैंने आपको बताया वही तक आप ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी भाई स्नाइपर टावर ओनली एक मैप बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ और भाई इसके बाहर आप नहीं जा सकते, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो ब्लू लाइन है उसके बाहर आप कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, और ऊपर जो पहाड़ वगैरह आप देख रहे हो ना उसके ऊपर भी आप नहीं जा सकते, वो एक बस देखने के लिए है, वहाँ पर एक इनविजिबल वॉल जैसा है उसके बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। और भाई कोई भी चीज़ आप एक के ऊपर नहीं ऐड कर सकते, जैसे कि पेड़ एक के ऊपर एक आप ऐड नहीं कर सकते या फिर स्नाइपर टावर के ऊपर एक और स्नाइपर टावर आप ऐड नहीं कर सकते, मतलब जो नहीं होता है वो आप नहीं ऐड कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जिसके ऊपर आप एक के ऊपर एक मतलब ऐड कर सकते हो, जैसे कि जो मतलब कंटेनर है ना ब्लू कलर का होता है तो उसके ऊपर एक के ऊपर आप एक ऐड कर सकते हो, तो जो भी चीज़ें नहीं होता वो आप नहीं कर सकते,
ओके तो यहाँ पर भाई हमारा जो स्नैपर ओनली कस्टम है वो रेडी हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर। और अभी मैं इसको खेल सकता हूँ, मतलब अपने दोस्तों के साथ इस मैप को मैं अभी खेल सकता हूँ। ओके तो इसको खेलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक पहले तो भाई आपको जो भी चीज़ें आपको मैंने बताया मतलब बनाया है उसको पहले अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो अपलोड वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, तो अपलोड वाला ऑप्शन में आप क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद अप्लाई पे आप क्लिक कर दो, उसके बाद जो ऑप्शन है ना मतलब एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लैग जैसा, तो वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे अपने, मतलब आप बैक करके भी जा सकते हो, लेकिन आप चले जाओगे अपना क्राफ्टलैंड वाले ऑप्शन में जहाँ पर कस्टम रूम आप बना सकते हो और इस मैप को मतलब जो अभी आपने बनाया है उसको आप खेल सकते हो क्लैश स्क्वाड में, ठीक है। क्लैश स्क्वाड कोई भी हो सकता है, जैसे नॉर्मल क्लैश स्क्वाड होता है ना नॉर्मल रूम का सेम ही है, बस आप ऐसा सोचो कि आपने खुद मैप बनाए हैं और खुद आप कस्टम रूम खेल रहे हो। तो भाई कस्टम रूम खेल के मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा, क्योंकि अभी भाई यहाँ पर कोई मेरा फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, और ऐसे ही मैं अगर कस्टम रूम बना दूँ ना तो कोई भी आके घुस जाएगा, उसके बाद ग्रेनेड मारेगा, ऐसा मतलब मज़ा ख़राब हो जाएगा भाई। तो इसीलिए किसी और दिन मैं आपको दिखाऊंगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्राफ्टलैंड जो कस्टम रूम कार्ड है वो कैसे काम आता है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। We'll be right back.